Hello students, my name is Amit Kumar and today I am going to teach you non-finite verb. मैं आपको आज non-finite verb बताने जा रहा हूँ. Non-finite verb होता क्या है and how can we apply non-finite verb in the sentence? हम sentence में non-finite verb को use कैसे करें and how can we identify non-finite verb in the sentence? और sentence में non-finite verbs को हम identify कैसे करें? यानी कि non-finite verb कैसे पहचाने? उसका कैसे यूज करें और यह होता क्या है, ये सारा बात, ये सारी बातें हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं. चलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसे वर्ब होता क्या है. तो वर्ब सेंटेंस का वो वर्ड जो सेंटेंस में डूअर का यानी कि सब्जेक्ट का एक्टिविटी एक्सप्रेस करता है. जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई है. सब्जेक्ट क्या है, आई है. जिसमें यहां सेंटेंस लिख देता हूं, आई am writing a letter. मैंने यहाँ पे सेंटेंस को लिख दिया, I am writing a letter. अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन है, I है. सब्जेक्ट कौन है, I है. अब यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड है जो I की एक्टिविटी को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि what does I is doing, what does I is doing. तो I is writing, I is राइटिंग, यानी कि राइटिंग एक ऐसा वर्ड है, यह एक ऐसा वर्ड है जो कि सेंटेंस में इसकी एक्टिविटी को एक्सप्रेस कर रहा है. क्या कर रहा है, इसका एक्टिविटी को एक्सप्रेस कर रहा है. तो राइटिंग जो है वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा. क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा. अब यह वर्ब कौन सा वर्ब है, तो यह नॉन फाइनाइट वर्ब है. कौन सा वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है. अब नॉन फाइनाइट वर्ब है कैसे, हम कैसे पहचाने सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब, तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर. याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू फॉर वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक को हम कहते हैं फाइनाइट एंड दूसरे को हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट. एक क्या कहलाएगा, एक फाइनाइट कहलाएगा इधर, और इधर नॉन फाइनाइट कहलाएगा. दो प्रकार के वर्ब हो गए. फाइनाइट वर्ब की बात कर लो एक लाइन में. फाइनाइट वर्ब बहुत ही आसान है, एक लाइन में आप समझ जाओगे कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है. तो जब हम सेंटेंस बनाते हैं, when we form a sentence बनाते हैं, then we use different types of verb. हम कई प्रकार के verb का use करते हैं sentence में, ठीक है ना. लेकिन जो verb sentence में subject के अनुसार use होता है, जो verb sentence में subject के अनुसार use होता है, subject से instructed होता है, subject के अनुसार use होता है और subject से instructed होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, finite verb बोलते हैं. क्या होते हैं, finite verb बोलते हैं. यानी कि finite verbs are the verbs that is used according to the subject, जो subject के अनुसार होता है उसे हम finite verb बोलेंगे. clear, इसको tense से मतलब होता है, यानी finite verb changes according to the tense of the sentence, according to the subject of the sentence, according to the mood of the sentence. सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार, सेंटेंस के टेंस के अनुसार, सेंटेंस के मूड के अनुसार जो वर्ब बदल जाता है उसे हम फाइनाइट बोलते हैं, और जो वर्ब नहीं बदलता है उसे हम नॉन फाइनाइट बोलते हैं, ठीक है. जैसे यहां से देखिए, राइटिंग है, मैंने क्या कहा, राइटिंग यहां पे नॉन फाइनाइट है. इस सेंटेंस की बात करूं तो यह प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है. मैं यहां पे आई एम को मिटा दूं, एम को मिटाकर यहां पे लगा दिया वाज, I was writing a letter. क्या राइटिंग में कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा. सेंटेंस का टेंस बदला, बदल गया. सेंटेंस का टेंस बदल गया, सेंटेंस प्रेजेंट में था वो पास्ट में चला गया, ठीक है. सेंटेंस प्रेजेंट में था वो पास्ट में चला गया, तो किसको फर्क पड़ा, किसको फर्क पड़ा, एंड क्या बन गया, वाज बन गया. बट इस वर्ब कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा. तो जिस वर्ब को सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो क्या कहलाएगा, यह नॉन फाइनाइट कहलाएगा. क्या कहलाएगा, नॉन फाइनाइट कहलाएगा. और यह वर्ब क्या कहलाएगा, फाइनाइट कहलाएगा. क्लियर, नॉन फाइनाइट समझ में आ गया. नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, कि जो सेंटेंस के टेंस से मतलब नहीं रखता, जो सेंटेंस के सब्जेक्ट से मतलब नहीं रखता, जो सेंटेंस के मूड से मतलब नहीं रखता है. यानी कि दोज वर्ब्स व्हिच डज नॉट चेंजेस, द वर्ब व्हिच डजंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द सेंटेंस और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना. जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार ना बदले, सेंटेंस के टेंस के अनुसार ना बदले, सेंटेंस के मूड के अनुसार ना बदले, वह सारे वर्ब क्या कहलाएगा, नॉन फाइनाइट कहलाएगा. और जो सब्जेक्ट में टेंस के अनुसार बदल जाए, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के बदल जाए, वह फाइनाइट कहलाएगा. एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं, सी लव्स मी, सी wants to go.
यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिखा है, एक सेंटेंस में सी लव, यहाँ पे एक वर्ब है, आपको लव एक वर्ब दिख रहा होगा, और यहाँ पे दो वर्ब है, एक वांट्स है और एक यहाँ पे टू गो है। पहले सेंटेंस में एक वर्ब, दूसरे सेंटेंस में दो वर्ब है। अब मैं अब बताओ यहाँ पे कौन सा फाइनाइट है, कौन सा फाइनाइट है, चलो देख लो कैसे। सी लव्स मी, सी लव्स मी, वो मुझे प्यार करती है, प्रेजेंट टेंस में है ना। यह क्या है, कौन सा वर्ब है, यह वी फाइव है। वी फाइव क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म को हम वी फाइव बोलते हैं, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, क्योंकि सी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या लगाया है, लव्स लगाया है। क्लियर, सी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके लिए इसके साथ वर्ब भी फाइव लगाया है, क्योंकि वर्ब भी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाते हैं और प्लूरल के साथ प्लूरल लगाते हैं हम। ठीक है, ये हो गया आपका लव्स। अब यहां पे लव्स जो है यह प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस कर रहा है। अगर मैं कहूं वह मुझे प्यार करती थी, वह मुझे प्यार करती थी, तो क्या हो जाएगा, सी लव्ड मी, सी लव्ड मी, यानी कि यह वर्ब जो लव्स है वह ट्रांसफॉर्म हो गया वर्ब और जब प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस बन गया तो जो वर्ब बदला है वो अब क्या कहलाएगा, फाइनाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फाइनाइट कहलाएगा। सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाए, टेंस के अनुसार बदल जाए, मूड के अनुसार बदल जाए, जो भर बदल जाए सेंटेंस में उसे हम फाइनाइट बोलते हैं। बट द वर्ब विच डजंट चेंज, जो नहीं बदलता है, जो सेंटेंस के मूड के अनुसार, सेंटेंस में टेंस के अनुसार, सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार ना बदले, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉट फाइनाइट बोलेंगे। इस एग्जांपल को देखो आप, सी वांट्स टू गो, सी को टाइप करता हूं दे, दे। अब सी है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए वांट्स लगा है, सिंगुलर लगा है। अब दे क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब यहां प्लूरल लगेगा, वांट का प्लूरल क्या हो जाएगा, वांट्स का प्लूरल वांट हो जाएगा। यहां पे एस लगा सिंगुलर बनाते हैं, यहां एस तारीफ क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो दे वांट टू गो, यानी कि वांट क्या हो गया, वांट्स वांट हो गया, बदल गया, ये वर्ब क्या हो गया, बदल गया। लेकिन टू को बदला क्या, यह बदला क्या, नहीं बदला, टू को बदला नहीं बदला, टू को नहीं बदला, वांट बदल गया। तो जो वर्ब बदल गया सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार, वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट कहलाएगा। जो नहीं बदला है सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार, जो नहीं बदला वो क्या कहलाएगा, नॉन फाइनाइट कहलाएगा। क्लियर, इतना क्लियर है कि फाइनाइट क्या कहलाएगा, नॉन फाइनाइट क्या कहलाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इससे ज्यादा एग्जांपल्स और लिख लोगे, 10-15 एग्जांपल खुद से लिखो, खुद से वीडियो को पॉज करके आप पढ़ो, फिर से रिवाइंड करके देखो, फिर से नहीं समझ में आया तो और कुछ एग्जांपल खुद से क्रिएट करो। ध्यान रखना है कि जो फाइनाइट वर्ब है वह सब्जेक्ट के टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, मूड के अनुसार बदलता है, यानी कि सेंटेंस के टेंस के अनुसार, मूड के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वह सेंटेंस के टेंस के अनुसार, मूड के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि नॉन फाइनाइट वर्ब डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के टेंस में नहीं बदलेगा, और यह क्या है, बदल जाएगा, फाइनाइट वर्ब बदल जाएगा। इसका रिवर्स यहां पे इट चेंजेस, क्या हो जाएगा, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ, मैं जो बोल रहा हूं लिखना आप, ठीक है ना। फाइनाइट वर्ब क्या होगा, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ सेंटेंस, एंड नॉन फाइनाइट वर्ब इट डजंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के टेंस में समझ लेगा, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, इट डजंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, यह नहीं बदलता है और यह बदलता है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ये क्लियर हो गया। अब बात करता हूं मैं कैटेगराइजेशन का। नॉन फाइनाइट वर्ब को आगे तीन भाग बांटा गया है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री, इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। कौन कौन, इन्फिनिटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री, इन्फिनिटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। यहां पे देख लो, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स है एंड दिस वर्ब इज डिवाइडेड इनटू थ्री, वन इज कॉल्ड इन्फिनिटिव, 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 जेरंड, जेरंड, जी ई आर यू एन डी, जेरंड
एंड पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव जीरंड एंड इन्फिनिटिव, सॉरी इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव जीरंड एंड पार्टिसिपल, ये हो गया नन प्राइम वर्ब्स को तीन भाग में बांट दिया हमने, इन्फिनिटिव जीरंड एंड पार्टिसिपल, क्लियर। अब इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, तो इतना तो क्लियर है कि सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब है जो बदलेगा नहीं, सेंटेंस के टेंस के अनुसार हो, चाहे सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार हो, चाहे सेंटेंस के मूड के अनुसार हो, द वर्ब विल नॉट चेंज एंड द वर्ब व्हिच इज नॉट चेंजेबल इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट, जो नहीं बदलता है वह नहीं बदलने वाला होगा, कहलाएगा नॉन फाइनाइट। पहले इन्फिनिटिव की बात करता हूं मैं, पहले मैं इन्फिनिटिव की बात करता हूं, तो इन्फिनिटिव क्या कहलाएगा, तो सेंटेंस में जब टू वर्ब का यूज करते हैं, भी वन को टू के साथ लगाकर यूज करते हैं तो वह इन्फिनिटिव कहलाता है। जैसे यहां मैंने लिख रखा है सी वांट्स टू गो, यहां क्या है टू गो, टू गो वह जाने गई है, वो जाना चाहती है, ठीक है, तो टू क्या हो गया इन्फिनिटिव हो गया, क्लियर। इसे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव को टू वर्ब बोलते हैं। जीरंड की बात करो तो जीरंड होता है आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या कहलाएगा आई एन जी फॉर्म, क्लियर, आई एन जी फॉर्म कहलाएगा, आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। एंड पार्टिसिपल, पार्टिसिपल को तीन भाग में बांट दिया गया है, पार्टिसिपल आर डिवाइडेड इनटू थ्री, पहला कहलाएगा प्रेजेंट, दूसरा पास्ट एंड तीसरा परफेक्ट, यह तीन हो गया, क्लियर, यह तीन हो गया पार्टिसिपल, और यह इन्फिनिटिव टू वर्ब एंड जीरंड आईएनजी फ्रॉम द वर्ब। तो सेंटेंस में जब हम वी वन यूज करेंगे, सी वांट्स टू गो, to walk is a good habit, I like to walk, तो to walk जो यूज किया हमने, to exercise is very essential for everyone, exercise करना सबके लिए बहुत ही important है। जो मैं to लगाकर जो भी sentence बना रहा हूं तो वहां पर जो to के साथ जो verb लगाया वो क्या लगा, infinitive कहलाएगा, क्लियर। सेंटेंस में ध्यान देना है इन्फिनिटिव वर्ब एक्शन एक्सप्रेस नहीं करता है, एक्शन एक्सप्रेस नहीं करता है, क्लियर। सेंटेंस में इन्फिनिटिव हो चाहे जीरंड हो, ये दोनों वर्ब एक्शन एक्सप्रेस नहीं करता है, यह सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज होता है और ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसको हम सेंटेंस में क्या बोलते हैं कि एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए नहीं करते हैं, एक्शन एक्सप्रेस नहीं करता है, ठीक है। हाँ, क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जा सकता है, सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, बट इसको एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए इन्फिनिटिव को बोलते हैं टू वर्ब बोलते हैं, इन्फिनिटिव को फिर से कई भाग में बांटा गया है, एक कहलाता है फुल इन्फिनिटिव, क्या कहलाएगा फुल इन्फिनिटिव। तो फुल इन्फिनिटिव क्या कहलाएगा, जब वर्ब यानी कि भी वन, जब भी वन टू के साथ आए, टू के साथ आए तो वह फुल इन्फिनिटिव कहलाएगा, फुल इन्फिनिटिव कहलाएगा, और यह नाउन की तरह यूज होगा सेंटेंस में, किसकी तरह, नाउन की तरह यूज होगा सेंटेंस में। जैसे टू डांस, यहां पे कैपिटल में टू लिखाएगा, to dance is good for health, to dance is good for health, यानी कि health के लिए डांस करना बहुत ही अच्छा है, तो to dance, clear, sentence में क्या है subject की तरह यूज हो रहा है, यह क्या कहलाएगा, यह full infinitive कहलाएगा। अब it is very essential to dance फॉर द हेल्थ, वहां तो वर्ब क्या हो गया फुल इन्फिनिटिव कहलाएगा, क्लियर। यहां पर वर्ब क्या है फुल इन्फिनिटिव कहलाएगा, तो ये हो गया फुल इन्फिनिटिव। दूसरा है क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव की बात करो, क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव, चलिए एक क्वालिफाइंग वर्ड देखता हूं मैं पहले, जैसे मैं लिखा यहां पे
ब्यूटीफुल साइट, ब्यूटीफुल साइट। अब ब्यूटीफुल साइट लिखा, इट इज अ ब्यूटीफुल साइट। अब यहां ब्यूटीफुल क्या है, क्वालिफाइंग वर्ड है ना। अब इस क्वालिफाइंग वर्ड जब हमें क्वालिफाइंग वर्ब का यूज करना है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज अ साइट टू सी, इट इज अ साइट टू सी, यानी कैसा साइट है, देखने लायक साइट है। कैसा साइट है, ब्यूटीफुल साइट है। ध्यान देना है कि यहां पे जो साइट है कैसा साइट है, खूबसूरत है। यहां कैसा साइट है, देखने लायक है। इट इज अ साइट टू सी, देखने लायक, देखने वाली है बात है, ठीक है ना। देखने लायक साइट है और यहां साइट क्या है, खूबसूरत है। तो दोनों, ये दोनों जो है, ये दोनों मिलता जुलता लग रहा है, मिलता जुलता लग रहा है। किस हिसाब से, कि दोनों क्वालिफाई कर रहा है किसको, साइट को, दोनों साइट को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहां पर टू सी क्या है, क्वालिफाइंग इंफिनिटिव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्वालिफाइंग इंफिनिटिव कहलाएगा। दो हो गया, एक फुल इंफिनिटिव और एक क्वालिफाइंग इंफिनिटिव। तीसरा जो है बेयर इंफिनिटिव। अब बेयर इंफिनिटिव क्या कहलाएगा, कि इंफिनिटिव विदाउट टू, बिना टू का जो हम इंफिनिटिव यूज करेंगे उसे हम बेयर इंफिनिटिव बोलेंगे। बिना टू का अगर हम इंफिनिटिव यूज करते हैं तो उसे हम बेयर इंफिनिटिव बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लो कि आई कैन गो, आई कैन गो, ये क्या है, इंफिनिटिव, आई कैन गो, मैं जा नहीं रहा हूं, एक्शन ही तो हो रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है, मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं, एक्शन की स्थिति को, उसकी एक्टिविटी को एक नाम देकर एक्सप्रेस किया जा रहा है, वो जा नहीं रहा है। तो यहां पे जो गो है क्या हो गया, इंफिनिटिव है और बिना टू का है ना, तो यह कहलाएगा बेयर इंफिनिटिव कहलाएगा। क्या ध्यान देना है कि बेयर इंफिनिटिव हमेशा मॉडल ऑक्सिलरीज कैन कुड शैल शुड विल वुड के साथ लगता है, और जितने भी मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरीज है, उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो क्या होगा, वो विदाउट टू होगा। यू मे रन, यू मे जंप, यू मे ड्रिंक, यू मे ड्राइव, ठीक है। तो क्या हो गया, जब भी मॉडल के साथ लगेगा वर्ब तो विदाउट टू लगेगा और वह इंफिनिटिव कहलाएगा। कौन सा इंफिनिटिव कहलाएगा, वह बियर इंफिनिटिव कहलाएगा। तो ध्यान देना है, नॉन फाइनाइट तीन प्रकार, इंफिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल, एंड इंफिनिटिव भी तीन प्रकार के, पहला फुल इंफिनिटिव, दूसरा क्वालिफाइंग इंफिनिटिव, एंड तीसरा, तीसरा क्या हो गया, क्या हो गया तीसरा, बियर इंफिनिटिव हो गया। क्लियर, इंफिनिटिव समझ आ गया, सबका एग्जाम्पल मैंने लिख दे दिया है, आप खुद से और एग्जाम्पल लिख लोगे। नेक्स्ट है जीरंड। अब जीरंड की बात करो तो जब नाउन की तरह यूज होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब नाउन की तरह यूज होगा तब वह जेरंड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग दौड़ना एक अच्छा एक्सरसाइज है, एक अच्छी कसरत है, ठीक है ना, दौड़ना एक अच्छी कसरत है। अब यहां पे मैं रनिंग क्या है, सब्जेक्ट तो यूज हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह है, एक्शन शो नहीं कर रहा है, एक्शन शो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो रनिंग क्या हो गया, वर्ब है, वर्ब तो नहीं, कैसा वर्ब कहलाएगा, यह कहलाएगा आपका जीरंड कहलाएगा, आईएनजी फॉर्म है ना, जीरंड कहलाएगा। जब आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में यूज हो नाउन की तरह तो उसे हम बोलेंगे जेरंड बोलेंगे, लेकिन वही आईएनजी फॉर्म वर्ब की तरह यूज हो तो वह क्या कहलाएगा, तो वह पार्टिसिपल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पार्टिसिपल कहलाएगा। एंड कौन सा पार्टिसिपल कहलाएगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख लो यहां पे रनिंग है तो आई एम रनिंग नाउ, आई एम रनिंग नाउ, मैं अभी दौड़ रहा हूं। अब देखो यहां पे भी रनिंग है, यहां पे भी रनिंग है, दोनों जगह रनिंग है ना, यहां भी रनिंग है और यहां भी रनिंग है। फर्क क्या है, यह रनिंग एक्शन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इट इज नॉट शोइंग एन एक्शन, यहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन आई एम रनिंग नाउ यहां पे एक्शन हो रहा है, यहां पे एक्शन हो रहा है,
और यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है। तो जब एक्शन हो रहा है तो वह पार्टिसिपल कहलाएगा और वह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, और जब एक्शन नहीं हो रहा है तो वह जीरंड कहलाएगा। दोनों आईएनजी फॉर्म होता है। भर्व का आईएनजी फॉर्म जब एक्शन शो करेगा तो वह पार्टिसिपल कहलाएगा, एक्शन शो नहीं करेगा, स्टेट शो करेगा, स्थिति को शो करेगा तो वह जीरंड कहलाएगा, यानी कि आईएनजी फॉर्म को ही जीरंड बोलते हैं। क्लियर? समझ आ गया? जीरंड, जीरंड का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। अब बात करते हैं पार्टिसिपल का। तो पार्टिसिपल तीन हो गया, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यही कहलाएगा आपका। देख रहे हैं आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म भर का क्या कहलाएगा? पार्टिसिपल कहलाएगा। क्लियर? पास्ट, तो जब भर में डी ई डी लगाते हैं तो वह पार्टिसिपल कहलाता है। भर में डी ई डी लगाते हैं तो वह पार्टिसिपल कहलाता है। क्लियर? जैसे आई हैव आई हैव जंप्ड, आई हैव जंप्ड ऑफ द रूफ, आई हैव जंप्ड ऑफ द रूफ। ठीक है, आई हैव जंप्ड ऑफ द रूफ। जंप्ड में ईडी लगा हुआ है, हो गया ईडी लग गया, तो यह भर क्या कराएगा? यह आपका पास्ट पार्टिसिपल कराएगा। क्या कहलाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। अब ध्यान रखना है कि पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा इसका मतलब सेंटेंस पास्ट में ही हो ऐसा नहीं है, सेंटेंस पास्ट में ही हो ऐसा नहीं है, सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। आई हैव लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, है ना? यह प्रेजेंट परफेक्ट में है लेकिन पास्ट पार्टिसिपल वर्ब यूज हुआ है यहां पे। तो जब वर्ब का V3 फॉर्म, V3 फॉर्म सेंटेंस में यूज होगा। अब यहां पास्ट में हो सकता है, यहां मैं हैड लगा दूं, आई हैड जंप, पास्ट में चला गया। आई Shall have jumped फ्यूचर में चला गया। तो हमें इस भर से मतलब है, वी आर रीडिंग भर नॉट द टेंस, हम भर पढ़ रहे हैं टेंस नहीं। तो ध्यान देना है पास्ट पार्टिसिपल होने के लिए सेंटेंस पास्ट में हो ऐसा कुछ नहीं है, भर पास्ट होना चाहिए, भर में ईडी फॉर्म होना चाहिए। जब ईडी फॉर्म का भर होगा क्या आएगा? वह पास्ट पार्टिसिपल बनाएगा। ठीक है, और जब वही ईडी फॉर्म हैविंग के साथ लग जाएगा, यानी कि ऐसे Having plus ed या d form of the verb, having plus ed या d form of the verb, जैसे कि having completed my work I went, having completed my work क्या कहलाएगा? having completed my work I went, having completed my work I went, काम खत्म करने के बाद अपना मैं चला गया। तो having completed, ये जो verb है क्या कहलाएगा? ये perfect participle कहलाएगा। क्या कहलाएगा? perfect participle कहलाएगा। तो present participle ing form, past participle d या ed form, perfect participle d या ed form के साथ क्या having रहेगा, having के साथ d या ed form रहेगा। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया ये वीडियो। आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप फिर से इसको रिव्यू देख सकते हैं या फिर कमेंट करके बता सकते हैं। अगर समझ में आया तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक यू।